हेलो माय डियर स्टूडेंट्स क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट एजुकेशन और जो टॉपिक है वो है चाइल्ड सेंटर कैरिकम इससे पहले हमने सब्जेक्ट सेंटर कैरिकम एंड एक्टिविटी सेंटर कैरिकम डिस्कस किया है आज हम जो नेक्स्ट टाइप है वो है चाइल्ड सेंटर कैरिकम फर्स्ट वी विल गो थ्रू द मीनिंग ऑफ दिस चाइल्ड कैरिकूल इट इज द कैरिकूलमिच रिवाल्वज्ज अराउंड द इंट्रस्टस नीड्स एबिलटी एक्टिविटी डेवलपमेंटल लेवल एंड लाइफ आफ द चाल्ड वो इसम का सेलबस और कैरिकूलम है जो मतलब चाइल्ड इंट्रस्टस नीडस एबलिटीज एक्टविटीज डेवलपमेंटल लेवल्स के इर्दग गिर्द घूमता है यानी कि इसमें जो मैन फिगर है जो सेंट्रल पॉइंट वो है चाइल्ड और इस तरह ये करिकुलम है ये बच्चे के इंटरेस्ट नीड्स एबिलिटीज़ एंड एक्टिविटीज़ के मुताबिक होता है यानी साइकोलॉजिकल होता है यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी प्रॉपर्ली यूज़ होती है और डेवलपमेंटल लेवल जो होते हैं जैसे इन्फेंसी चाइल्ड हुड एडल्टड एडोलेसन पीरियड वग़ैरह के हिसाब से इस चीज़ को इस टाइप का कैरबल को फ्रेम किया जाता है मच स्ट्रस लेट ऑन द चाइल्ड स्टडी और चाइल्ड साइकोलॉजी विच हेल्प द टीचर टू फाइंड आउट द वेरियस प्रॉब्लम फेसड बाई द चाइल्ड और यहाँ पर जो एजुकेस्ट और जो टीचर है वहाँ उनको पहले चाइल्ड को स्टडी करना है चाइल्ड साइकोलॉजी को स्टडी करना है ताकि वो अपने माँ जो अपना जो उनकी एम है जो उनका गोल है वो उस तक आसानी के साथ पहुँच सकते हैं और जो प्रॉब्लम्स है बच्चे को उनको वो अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं और पॉइंट आउट भी कर सकें बच्चे को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं लर्निंग में बच्चे को लर्निंग में कहाँ कहाँ खड़े ल प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं इन चीज़ों को वो मतलब वहाँ से दूर करने के लिए वहाँ जो चीज टीचर होता है वो मतलब बच्चे का हेल्प करता है इट इज़ इन एकॉर्डेंस विद इंडिविजुअल डिफरेंस विद एक्जिट्स इमक द चिल्ड्रन और ये इंडिजुअल डिफरेंस के मुताबिक होता है जैसे आपको पता ही होगा कि इंडिजुअल नो टू इंडिजुअल आर लाइक दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट नीड्स एबिलिटीज एक्टिविटीज वगैरह ये बिल्कुल मतलब उन चीज़ के मुताबिक होता है यहाँ पर इंडिविजुअल डायग्नोज होता है इट टच ऑल ऑस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ये जो चाइल्ड की जो डिफरेंट ऑफ लाइफ उसकी उनको टच करती है जैसे उसकी मतलब बहुत से डायमेंशन है फिजिकल सोशल इमोशनल मेंटल इंटलेक्चुअल एस्थेटिक एक वोकेशनल इस हर एक ऑस्पेक्ट को डिवलप मतलब डिवलप और टच करते हैं अकॉर्डिंग टू तो चाइल्ड इंट नीड्स एंड एक्टिविटीज़ दस कैरिकम इज बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़ एंड एक्शन ऑफ द चाइल्ड आखिर पार हम यही कह सकते हैं जो इस कस्म का कैरिकम चाइल्ड सेंटर कैरिकम है ये एक्टिविटीज बेसड जो चाइल्ड की होती है उन्हीं पर उन्हीं की बुनियाद पर बनाया जाता है यानी कि यहाँ पर जो मैन फिग्रे तो वो चाइल्ड होता है इसके बाद है मेरिट्स और एडवेंटेज ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकम उसकी जो एडवेंटेज या मेरिट्स हम कहेंगे इंटरेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल यह एक इंटरेस्टिंग होता है इसमें बच्चा मोटिवेट होता है वो अपने अम, स्पेस से और अपने अंदाज से अपने नीड्स एबिलिटीज के मुताबिक काम करता है और साइकोलॉजिकल यहाँ पे पूरी तरह से बच्चे चाइल्ड साइकोलॉजी इस्तेमाल की गई हो और जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं सिलेबस फ्रेम करने वाले होते हैं जो टीचर होता है वो पहले चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं और फिर वही उसको एम्प्लीमेंट एंप, एंप, करते हैं और साइकोलॉजिकली बच्चे के जितने भी प्रॉब्लम उनको सॉल्व करते हैं हार्मोनिस डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चे के हर आस जो हर मतलब उसके जो लाइफ के जो उसके जो पर्सनल का जितने भी डायमेंशन होते हैं चाहे फिजिकल सोशल इमोशनल इंटेलेक्चुअल एस्थेटिक मॉरल स्पिरिचुअल वोकेशनल हर एक एस्पेक्ट वो उसकी वहाँ पर इस चाइल्ड के मतलब कैरिकुलर डेवलप होता है क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड जो होता है वो ऑटोनस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है प्रेपरेशन ऑफ लाइफ ये प्रपरेशन लाइफ ये बच्चे को फ्यूचर लाइफ के लिए प्रपेयर करते हैं फ्लेक्जिबल यहाँ फ्लैक्बिलिटी है यह कोई रिजिड नहीं है यहाँ कोई कन्फाइनड नहीं है बिल्कुल बच्चा फ्री है वो इंडिपेंडेंट है फ्री माहौल में वो ग्रोथ करता है मोटिवेशन फोर्स ये बच्चे को मोटिवेट करते हैं क्योंकि वेल बिगिनिस हाउंड एंड यहाँ पर जो प्ले वे मैथड जो प्रोजेक्ट मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी बुनियाद पर बच्चा मोटिवेट होता है वो मोटिवेट वो मतलब क्योंकि जब उसके बच्चे के इंटरेस्ट नीड्स एबिलिटीज़ के मुताबिक काम होता है तब तो बच्चा मतलब ऑटोमेटिकली मोटिवेट होता है उस काम करने के लिए वहाँ पर उसको मतलब फोर्स की ज़रूरत नहीं है डिसप्लिन मैंटे करने की टीचर की टीचर को बच्चे के डिसप्लिन करने की मतलब मैंटे जरूरत नहीं है बच्चा वहाँ पर खुद यहाँ पर मेंटेन डिसप्लिन करता है क्योंकि यहाँ वो मतलब अपने मर्जी से अपने स्पेस अपने अंदाज से अपने अंदाज़ से एजुकेशन हासिल करता है इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस का पूरा ख्याल रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल डायग्नोज किया जाता है? है यहाँ मतलब जो बाकी जो मतलब से कैरिकम है वहाँ पे कोई इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं होती है वहाँ पे मतलब एक सेम डाइगनज से होता है बच्चे के क्योंकि वहाँ पर जो हमारे बच्चे क्लास में होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं उनके जो नीड्स डिफरेंट होते हैं इंटरेस्ट डिफरेंट एटीट्यूड डिफरेंट होते हैं एबिलिटी डिफरेंट होते हैं यहाँ पर जो चाइल्ड्स कैरिकम है वहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और बच्चे की इन डिफरेंस का ख्याल रखा रखा जाता है उसके बाद डेमेरिट्स ऑफ चाइल्ड आप देखेंगे कि इसमें मेरिट्स के साथ डिमेरिट्स भी होंगे अब क्या क्या डेमेरिट्स हैं टोटल एजुकेशन नॉट पॉसिबल यहाँ पे जो आ, टोटल एजुकेशन है मतलब पूरी एजुकेशन जो वो पॉसिबल नहीं हुए जितने वहाँ पे सब्जेक्ट सेंटर्ड में होते हैं क्योंकि बच्चा इतना एडवांस नहीं होता अपडेट नहीं होता जितना एक टीचर और एजुकेटर जो है रहता है जिस तरह का वो सिलेबस फ्रेम करते हैं जिस तरह का मटेरियल पे बच्चे को देते हैं बच्चा खुद इतना नहीं कर सकता है यहाँ पे बच्चा मतलब काम तो करता है लेकिन जो उसको ठीक लगे वही करे जो उसको मन नहीं करे वो नहीं करेगा इस तरह वो लूप साइड पर्सनैलिटी यहाँ डेवलप होती है नॉट वर्केबल और ये पूरी तरह से वर्केबल नहीं होता है क्योंकि इसमें बच्चा टाइम भी ज़ाया करता है और मतलब हर एक आस्पेक्ट टच भी नहीं हो सकता लेका कॉम्पट टीचर्स यहाँ पर कॉम्पिटेंट टीचर की मतलब जरूरत होती है जो बच्चे जिनके पास चाइल्ड साइकाल जो होती है वो अक्सर बेशर नहीं मिलते हैं हमें टाइम फैक्टर और यहाँ पे टाइम की जरूरत होती है और बच्चा जब चाहे तब काम कर सकता है उस तरह उसको ज़्यादा टाइम की जरूरत होनी चाहिए नो प्रॉपर एम और यहाँ पर जो प्रॉपर एम है वो भी यहाँ पे फिक्स नहीं होती है पहले से ही क्योंकि जिस सब्जेक्ट सेंटर में होते वहाँ पर एम फिक्सड होती है इम्बैलेंसड ये इम्बेलेंस हो सकती है क्योंकि जब बच्चे की जो बच्चे के लिए जब कोई भी जब बच्चे की मर्ज़ी के हम काम करते हैं बच्चे को मतलब इंटरेस्ट नीड एबिलिटीज को भी मद्दनजर रखते हैं तब हो सकता है कि कुछ डायमेंशन जो पर्सनल होते हैं वो इग्नोर भी हो सकते हैं